बंगाल के एसएससी घोटाले को लेकर मंत्री पार्थ की करीबी अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट पर नोटों की गिनती अब जाकर रुकी है। ईडी ने उनके घर से कुल 30 करोड़ रुपए बरामद किए। इसमें करीब 10 घंटे का समय लग गया। इसके अलावा 5 किलो से अधिक का सोना भी जब्त किया गया है। ईडी ने कहा कि मुखर्जी के घर कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। ये कार्रवाई बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन एसएससी भर्ती घोटाले से जुड़ी हुई है। ईडी के अधिकारियों ने बुधवार 27 जुलाई को अर्पिता मुखर्जी के टाउन क्लब स्थित फ्लैट पर छापा मारा, जहां से ये कैश का ढेर बरामद हुआ। इससे पहले जांच एजेंसी ने अर्पिता के कोलकाता स्थित फ्लैट पर छापेमारी की थी, जहां से कुल 21 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे। इस तरह ही यहां से कुल करीब 50 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। 500 और 2000 रुपए के नोटों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि ईडी अधिकारियों को 100 बक्सों में भरकर इसे ले जाना पड़ा। नोटों को गिनने के लिए मशीनें भी मंगवानी पड़ी थी। इस मामले में बंगाल के मंत्री और शिक्षा मंत्री रहे पार्थ को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अर्पिता को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री ममता ने कहा है कि अगर पार्थ को उम्र कैद की भी सजा होती है तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। सूत्रों के हवाले से ये भी पता लगा है कि अर्पिता मुखर्जी ने कहा है कि ये पैसा मेरा नहीं है, ये सारा पैसा पार्थ का है। दोस्तों, इस मामले की जांच अब भी सीबीआई कर रही है। इस तरह की और अपडेट जानने के लिए आप जुड़े रहिए 5 दरिया न्यूज के साथ।